और आपको मैं बता दूं कि जिस तरह से हम लोगों के कार्यकर्ताओं को वहां पे हाईजैक किया गया था। सबसे पहले जिला पदाधिकारी जो हम लोग के साथ साजिश के तहत हराने का काम किया। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर महागठबंधन के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त आक्रोश है, तो वहीं जमुई जिले के झाझा विधानसभा 242 के अंतर्गत राजद प्रत्याशी राजेंद्र यादव, जो कि 1789 मत से पराजित हुए, उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला प्रशासन पर जमकर निशाना साधा है। आपको बता दें कि आरोप प्रत्यारोप करते हुए उन्होंने जिला पदाधिकारी धर्मेंद्र कुमार एवं जिला प्रशासन पर सीधे आरोप लगाते हुए कहा कि ईवीएम मशीन का सील टूटा हुआ था और सीसीटीवी कैमरे के तार भी खुले हुए थे। तो वहीं आपको बता दें, जब हमारे संवाददाता हर्ष ने मौके पर राजद के नेता राजेंद्र यादव से बात की, तो सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुमार हर्ष। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर महागठबंधन का जो एग्जिट पोल आ रहा था वो कहीं ना कहीं महागठबंधन के कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही ज़्यादा खुश का प्रसन्नता की बात थी, और महागठबंधन के जितने भी कार्यकर्ता थे वो कहीं ना कहीं इस बार खुश थे कि इस बार शायद तेजस्वी के कर कमलों द्वारा रोजगार के अवसर भी प्रदान किए जाएंगे। और कहीं ना कहीं एक तरफ जो राजद जंगल राज कहा जाता था, अब राजद में कुछ भी वैसा परिवर्तन जरूर आएगा कुछ ना कुछ, जिससे युवाओं के साथ साथ पूरे बिहार वासियों की सोच में बड़ा बदलाव होगा। अब हम बात करना चाहेंगे जमुई जिले के निर्वाचन आयोग की, जो निर्वाचन पदाधिकारी जमुई धर्मेंद्र कुमार थे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी के साथ साथ जिला प्रशासन के अलावे जो वहाँ पर जो काउंटिंग का मतगणना का जो क्षेत्र था उसके अंतर्गत आने वाले सारे पदाधिकारियों को झाझा विधानसभा के महागठबंधन के उम्मीदवार राजेंद्र प्रसाद यादव ने सीधा उन पर निशाना साधा है। बिल्कुल सही सुना आपने, आज हम लोग राजद कार्यालय, जो कि कल पूरा यहाँ पर सन्नाटा बिखरा हुआ था, आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से कि आज युवाओं की पूरी टोली यहाँ पर मौजूद है और महागठबंधन के कार्यकर्ता भी मौजूद है, जिन्होंने पूरी सर्वसहमति से जिला निर्वाचन पदाधिकारी के साथ साथ जिला प्रशासन पर कड़ा दबाव देते हुए उन पर ये इल्ज़ाम लगाया है कि नीतीश कुमार, जो कि मुख्यमंत्री है बिहार के, उनके द्वारा जिला निर्वाचन पदाधिकारी के साथ साथ जिला प्रशासन पर दबाव बनाया गया और बुलेटिंग पर बहुत ही ज़्यादा उन पर असर पड़ा है, और प्रभाव पड़ने के साथ साथ कुछ ना कुछ उसमें उलट फेर का मामला भी सामने आया। आगे राजेंद्र प्रसाद यादव ने, जो कि RJD के उम्मीदवार थे, उन्होंने अपनी वाणी में क्या कहा, आप खुद सुनिए। सबसे पहले जिला पदाधिकारी जो हम लोग के साथ साजिश के तहत हराने का काम किया, और जो ब्लैक पेपर था उसको एकदम पूरा, हमारा उम्मीद है कि फिर से वो टीचर वाला जितना था ब्लैक पेपर वो ठीक, जैसे जहां राजेंद्र प्रसाद का था वहां दूसरा जगह भोकस करके बहुत जगह टीपा लगा के बहुत जगह उसको कलम से चीख के या फिर से प्रेस से सील किया गया और सब जमा किया गया, और उसका सील टूटा हुआ भी था उसका बक्सा अथी वाला का बोलता है ब्लैक पेपर वाला, इसलिए कि साजिश के तहत हमको हराने का काम किया। और कोई भी हमारा आरोप वगैरह बोलता था उसको धक्का देकर बाहर करने का काम करता था, उसमें सारा प्रशासन जिला का इन्वॉल्व,